छत्तीस के उज्जैन जिले में महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान जहां एक ओर ब्राह्मण जन वेद पाठ का सस्वर उच्चारण करेंगे तो वहीं दूसरी ओर देश भर से आए कलाकार अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य कर इस आयोजन की शोभा को बढ़ाएंगे और महाकाल लोक में भारत की विविधता में एकता का संदेश देंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर मालवा या मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी क्योंकि इस लोकार्पण समारोह में असम, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आदिवासी अंचलों के करीब 700 कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। 900 मीटर लंबे इस महाकाल लोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों के कलाकार उपस्थित रहेंगे। लोकार्पण के दौरान नंदी द्वार पर शिवनाथ की प्रस्तुति भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद महाकाल लोक का अवलोकन करेंगे। उसी समय महाकाल लोक के कुछ विशेष स्थानों पर यह कलाकार अपने अपने राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे जिसमें मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृत का नृत्य, गुजरात का गरबा, झारखंड के ट्राइबल एरिया से आए कलाकार भस्मासुर, केरल के कलाकार कथक और आंध्र प्रदेश के कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। महाकाल लोक मतलब भव्य लोक, महाकाल लोक मतलब दिव्य लोक। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण आज पौराणिक शहर उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल का। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसका आज लोकार्पण, जनता को समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। आजादी के बाद दो महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत को एक करने का क्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सोमनाथ बाबा का जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और महाकाल लोक जिसमें शिव परिवार विराजमान है उसका आज लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। इस लोक का निर्माण भविष्य के 50 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और विहंगमता दी गई है। यह संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम है। यहाँ पर शंभु शिखर अलग ही दिव्यता देता है। महाकाल पथ है 900 मीटर का, डायमीटर कमल कुंड 50 मीटर का, सप्तऋषि 20 फीट ऊंचा, ऐसी अनेक दिव्यताएं और भव्यताएं लिए हुई हैं। नंदी द्वार है, त्रिवेणी मंडपम है, पंचमुखी स्तंभ है।